আজ শুভ দীপাবলি, আর এই দীপাবলির মুহূর্তে সবাই তার নিজের পরিবারের সাথে দীপাবলি পালন করে থাকেন আনন্দ উল্লাসে। কিন্তু যারা আমাদের রক্ষার্থে দিনের পর দিন সীমান্ত পাহারা দিয়ে যাচ্ছে, তারা হয়তো এই দিনটা নিজের পরিবারের সাথে পালন করতে পারেন না। তারা ভারত মাতার রক্ষার্থে দিনের পর দিন রোদে বৃষ্টিতে ভিজে ভারত মাতাকে রক্ষা করে যায়। তাই আজ কৃষ্ণগঞ্জের বিধায়ক আশিস কুমার বিশ্বাস বিএসএফ এর সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে 54 নম্বর ব্যাটালিয়নের হাতে মিষ্টি তুলে দেন এবং তাদের সাথে কিছুটা সময় কাটিয়ে দীপাবলির সেই মুহূর্তটা পালন করেন। উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা এবং কোম্পানির কমান্ডার। তাদের কাছে এই দিনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীপাবলির দিনটি তাদের পরিবারের সঙ্গে পালন করতে পারছেন না, সেই দুঃখ ভাগ করে নেবার জন্যই আজ এই কর্মসূচি পালন করলেন কৃষ্ণগঞ্জের বিধায়ক আশিস কুমার বিশ্বাস। বিএসএফ এর জওয়ানদের বিধায়ক আশিস কুমার বিশ্বাসকে কাছে পেয়ে আনন্দিত তারা। আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা নজর কাড়া খবর। आज आप लोग बीएसएफ जवान बीओपी से गए थे, बीओपी से जो आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या है इसमें आप लोग के हर साल ये मनाते हैं आप लोग? आज के इस दीपावली मेले के उपलक्ष्य में मैं कहूँगा कि सीमा सुरक्षा बल जो देश की सुरक्षा में तैनात है, उसी के साथ साथ जो सामाजिक हमारे कुछ दायित्व हैं, कुछ हमारी परंपराएं हैं, उनको आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर दीपावली मेले का एक आयोजन किया गया, जिसमें हमने इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी को भी आमंत्रण किया और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे छोटे से नोटिस पर अपने जो कीमती समय है उससे कुछ पल हमारे लिए निकालकर यहाँ आकर हमारे जो इस कैंप की शोभा बढ़ाई, साथ ही इस मेले का जो आयोजन में उन्होंने 4 चांद लगाए और साथ ही हमारे जवानों की हौसला अफजाई के लिए जो सब उन्होंने चुनकर बोले उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सीमा सुरक्षा बल की तरफ से सीमा सुरक्षा बल को जो दायित्व दिया गया है उसको वो संपूर्ण तरीके से और पूरे डेडिकेशन और उसके साथ निभाएगा। और साथ ही सीमा पर रहने वाली जो जनसंख्या है या जो पब्लिक है उसके सहयोग से जो भी कार्य या जो भी क्षेत्र से ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिसमें विधायक जी की हमको ज़रूरत पड़ती है या हमको जनता के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है या कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जनता को हमारे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, तो इस क्षेत्र की जनता को मैं इंश्योर कराना चाहता हूं और साथ में विधायक जी को भी कि सीमा सुरक्षा बल के जितने भी कार्य हैं और जो दायित्व हैं उनको वो सही तरीके से निभाएगी और जहाँ भी ऐसी कोई आवश्यकता होगी वो हर उसको पूरा करेगी। आपका नाम क्या है?